लंच में आज दो सब्जियां बनी है, एक बनी है मूंगी मसूर की दाल और चीना की फरमाइश पे बने आलू दाल। तो ये देखो गाइस, ये इसने आलू बनवाए हैं, टमाटर और प्याज का तड़का लगवा के इसने आलू सूखे सूखे बनवाए हैं। कहते मुझे तरी वाले आलू अच्छे नहीं लगते। और साथ साथ बन रही है, खाना खा लिया है, साथ साथ बन रही है चाय, चाय उबल रही है। जब तक इसमें अदरक डाली है, जब तक चाय अच्छे से उबले ना, तो गाइस टेस्ट नहीं आता। तो बस अभी 6 बज गए हैं, आज बुधवार है, वैसे हमारी 4 बजे चाय बन जाती है, मगर आज 6 बज चुके हैं तो चाय बन रही है आज। मम्मा यार टाइम देखो क्या हो गया, वो रिपोर्ट्स ले आओ। 7:45 बजे अभी मैं रिपोर्ट लेने जा रही हूँ। आपका हाथ क्यों मुड़ा हुआ है? इसका हाथ मुड़ा हुआ है। एले मेरी बेटी का हाथ ठीक हो गया नहीं छोनी बाबू। अच्छा छोनी ये ना आए कितनी सुंदर लगती है जब फुल ग्रोन बाल होते हैं ना इसके, अभी लग जाएगी, अब लड़की लगती है उसके बाद। गाइस मैं दिखाऊंगी आपको थोड़े दिन बाद। पापा का कोट पैंट है, तो कल्लू का कोट पैंट तो मैंने ड्रैगिंग करा के रख दिया, तो पापा का क्यों नहीं कराया, क्योंकि पैंट पापा की पहले टाइट थी, तो गोल्डी चाचू को बोला कि थोड़ी लूज कर दो, ज़्यादा लूज कर दी। तो पापा ने उस दिन बेल्ट पहन के तो पहन लिया, मगर अब ये खुला है, टाइट अब ठीक हो गई। हाँ, तो इसलिए पापा का ये कोट पैंट मैं ड्रैगिंग करा दे रही हूँ, ताकि फिर ड्रैगिंग किया हो ना तो सही रहती है चीज़। मैंने ना पानी गर्म कर दिया, मैं नहा रही हूँ। हाँ तो तू नहा के आ फटाफट, मैं कपड़े चेंज करती हूँ तो चलते हैं। एक काम निबड़ जाते हैं, मैं कोट पैंट सर में बाद में धो लूंगी। मैं सोच रही सर धोकर स्कूटी लेके जाऊंगी, रात को धोऊंगी, लेकिन धोना है, वीरवार है, कल मत धोई, आज रात को अभी धो लूंगी ना, 12 बजे से पहले सर धो लूंगी। तो नहा भी कटे लियो? नहीं मम्मा, गर्म अजीब सा हो रहा है, गर्म गर्म सा निकल रहा है शरीर से। निक्की के पास अभी आई हूँ, तो निक्की अपना खाना खा रही थी, राजमा चावल, तो मुझे कहती है भाभी जी आप राजमा चावल खा लो। मैं कह नहीं, मुझे मना है, मुझे राजमा चावल खास कर मना है। अच्छा। तो मैंने नहीं बनाए राजमा, मैंने बनाई है मूंगी मसूर की दाल। और अच्छा, कल बोलते रहते कि मूंगी मसूर की दाल। आप बनाऊंगी सुबह तो बनाई है। अच्छा। मूंगी मसूर की दाल बनाई है, अब घी कल घी बनाऊंगी, दो लेके रखी घी। अच्छा। तो अपने तरीके से बताऊंगी उसको, आज तो कोई भी नहीं, आज तक पता काम करने कोई भी नहीं आया। आज मेरी लंगर टांग में अपनी मर्जी, सारा काम मैंने लंगर टांग ने किया है, सब्जी भी, रोटी भी, फिर चीना की भी, आलू की सब्जी बनाई, आटा भी गूंदा, झाड़ू पोछा भी मारा। तेरे को पता बेड़े में तो स्कूटर आते हैं, फिर निकलते हैं बाहर तो मिट्टी हो जाती है, सारा आज मैंने काम किया है। और सबसे बड़ी बात है दोनों बहनें नहीं आई, कम से कम एक आ जाती तो क्या फोन नहीं करवाने। नहीं, बड़ी वाली बहन ने ना व्रत रखा हुआ है, हमारे में महालक्ष्मी का व्रत होता है ना, एक ही होता है, इनमें 3 दिन रखते हैं, और 3 दिन ऐसा व्रत है कि हाँ बिहार से 3 दिन ऐसा व्रत है निक्की कि पानी भी नहीं पीना। कहती है मैंने तो मैंने हाँ 3 दिन पानी नहीं पीना, कहती मैंने नहीं रखना था व्रत, मगर वहाँ पर बड़े बुजुर्ग कहते हैं नहीं आपके बच्चे हैं तो आपको रखना पड़ेगा, कहती मुझे रखना पड़ा, कहती मैं काम पे नहीं आ सकती। देखो खाया पिया नहीं, कुछ नहीं, पानी की प्यास, मैं सारा बात समझती हूँ, कोई बात नहीं। तो मम्मी को पता था भी नहीं आएगी, बाकी वो खाना बनाने वाली वो भी नहीं आई, दोनों बहनों ने अपनी वो कहती मैं बीमार हूँ, फोन आ गया, वाकई सही बात है, उसको खांसी जुकाम लगा हुआ था, वायरल फैल रहा है ना, तो नहीं दिल करता, कोई बात नहीं। मैंने कहा एक ही आ जाता, वो एक दोनों में दोनों ही नहीं आई, और सारा काम आज मैंने ही किया, लंगर टांग करके, चीना बीमार थी नहीं तो चीना कर देती, अब करती, काम हो गया वो कोई बात नहीं। तो मैंने दाल ही बनाई है सुबह मूंगी मसूर की, मैंने खाती क्या, 2 चम्मच नहीं खाएगी, खाएगी भी, मेरे को कहते आलू बना के दे, मैंने निक्की ने बनाया आलू शिमला मिर्च बड़े अच्छे थे, आलू बना के दे, मैंने आलू बनाए हैं परसों तो आलू शिमला मिर्च बनाई थी, तो आलू खा रही थी, तो वैसे टमाटर प्याज लंबे लंबे प्याज काट के साथ में टमाटर डाल दिए, आलू अच्छा ले जाइए ऑफिस, ले जाओ रोटी भी ले जाइए, भी तू भी खाता है, खा लेता है ये भी। टेस्टी बनता है वैसे। आप भी बनाना भैया के लिए एक बार। हाँ बनाऊ, बनाई थी मैंने, हमें दही मना है, हमें ना दही मन, हाँ दही खट्टा नहीं तो कड़ी भी तो मना है, कड़ी भी मना है, तो मैंने कहा नहीं था मगर तू कड़ी बनाएगी मुझे मत दियो, कहा था मैंने तुझे, पर तू राजमा बनाया, हमें राजमा भी नहीं खाने, बड़ा प्रेम, हाँ चीना खा लेगी। मेरी मम्मी भी ठीक नहीं है, भाई भी ठीक नहीं है, पहले तो भाई नहीं था, मम्मी भी ठीक नहीं है, तो मम्मी को भी वॉमिट वगैरह लग गई थी, कुछ मौसम ठीक नहीं है, थोड़ा वायरल फैल रहा है, तो आज हेमा और कंचन उधर गई थी, तो मैं यही कह रही थी मैं भी चली जाती हूँ, तो ये कह रहे हैं आज 2 बहनें गई हुई हैं, कल तू चली जाइयो चीना के साथ, चली जाइयो अलग अलग जाओगे तो मम्मी को भी अच्छा है, चारों चले जाओगे फिर कल कोई नहीं जाएगा, तो एक कल तू चली जा परसों सीमा चली जाएगी, मम्मी को देख लेना, मैं कह ये बात भी सही है, फिर मैं आज गई नहीं चीना के साथ, मैं कह हेमा आज वो डॉक्टर के पास भी लेके गए थे दीपू को दिखाने के लिए, क्योंकि उसका रूटीन चेकअप होता रहता है, तो
वहाँ पर भी गए थे, तो कल मैं जाती हूँ देखती हूँ फिर मम्मी का क्या हाल है। और कल मैं रात को फ़ोन किया है तो फ़ोन अटेंडेंट ने उठाया, मम्मी से बात ही नहीं हो रही थी, मतलब मम्मी सो रही थी, तो वो कह रहे हैं कि भाई आंटी तो सो रहे हैं, तो मैंने कहा चलो सो रहे हैं तो उनको मत उठाओ। फिर सुबह आज बात की तो मम्मी अभी तक सही नहीं है, तो बाकी धीरे धीरे है क्योंकि शरीर उम्र के हिसाब से हार जाता है, जब उम्र बढ़ जाती है तो बुज़ुर्ग आदमी वो जल्दी बीमार हो जाता है, मगर ठीक थोड़ा लेट होता है, कमज़ोर है मम्मी भी और हमारा दीपू तो वैसे ही बहुत कमज़ोर है। मम्मी गाइस आप बहुत सारे मैसेज आए थे कि अरुण साड़ी वाले से लहंगा ले लो, अरुण साड़ी वाले से लहंगा ले लो। तो गाइस मम्मा जब मेरा 16th बर्थडे मनाया था ना, नहीं 16th बर्थडे मेरा बहुत धूमधाम से मनाया था पापा ने, आज से 10 साल पहले की बात, साइंस संध्या करवाई थी, साइंस संध्या करवाई थी। उस टाइम मेरी मम्मी हैवी साड़ी, मम्मा आपको दिखाएगी वहां जाके, हैवी साड़ी ली थी उससे अरुण साड़ी वाले से, बहुत अच्छी एक ही बार पहनी मम्मी आपने, एक ही बार पहनी है वो साड़ी आई थी मेरी 12,500 रुपए की साड़ी थी उस टाइम, कितने जब तू 16 साल की थी, मुझे गाउन लेके दिया था गोलू को काले रंग का, प्रीटी जूसी लाई थी गोलू, तो हल्का लग रहा था गोलू को आगे, तो फिर कमल अंकल ने आगे वो सिल्वर कलर की वो लगा दी थी नगो वाली लड़ी, आज तक पड़ी है मेरे पास वो, पता नहीं वो कहाँ गया, मैंने तो गोलू को दे दिया था गाउन, और कन्नू के लिए मम्मी ने कुर्ता लिया था, कुर्ता बनवाया था गोल्डी से, नहीं कुर्ता पजामा और जैकेट, ब्लैक कलर का कुर्ता पजामा ऊपर से स्किन कलर की जैकेट, सबने 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 कुछ ना कुछ जागरण पे बनवाया था। अभी जैसे पापा का कोट पैंट बन गया, ऐसे कन्नू का बन गया, अब देखो शादी में तो उस समय हर चीज खरीदनी पड़ती थी ना, हाँ कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ता है, कितनी चीजें तो हम खरीदते हैं, कितनी तो खरीदी है, कोई अब हो गया मेरा मेहंदी के दोनों आउटफिट खरीदे मैंने, अब क्या कर सकते हैं बंदा, कई चीजें खरीदनी भी पड़ती है। अब तो ग्रीन साड़ी भी खरीद के लाई है, तेरे को वहां से दो जोड़े आया तो एक खुद भी खरीद के लाई है, बिल्कुल नई की नई पड़ी है वैसे, चलो शादी के टाइम ले जाइयो। अब ना आप थोड़ी थोड़ी चीजें ना बनानी शुरू कर देते हैं, हाँ बैग ले ले, पहले ही बैग मंगा ले, तो ऐसे कर हम फोन में भी देखते हैं बैग कितने गए तेरे को चाहिए, तो मंगा के ना इसको अभी मंगा ले, हाँ फिर उसमें सारा सामान रखेंगे, मोली बांध देंगे, सोनिया चाची से बनवा लियो, ठीक है। तो गाइस बहुत सारे लोगों ने मुझसे क्वेश्चन किए थे कि चीना का ससुराल कहाँ पर है, कौन सी जगह पे है, दिल्ली में है, दिल्ली से बाहर है, ऐसे भी पूछ रहे थे कई लोग, मगर वेस्ट दिल्ली में ही है, तो दो तीन दिन की बात है, चीना अपने ब्लॉग में खुद बताएगी, तो आपको सब कुछ ब्लॉग में क्वेश्चन और आंसर ब्लॉग होगा, उसमें सब होगा, तो बस मम्मी ये बता सकती है गाइस दिल्ली में ही है, मैं चंडीगढ़ या कहीं भी नहीं जा रही, तो बस आपको जल्दी पता चलेगा मेरे ब्लॉग में कि मेरा ससुराल कहाँ है। और क्या बस गाइस इसका इसके जो ब्लॉग आएगा उसका वेट करना, असल में चक्कर क्या है, बना तो ही लेती हूँ, इसकी बहुत दिन से तबीयत ठीक नहीं, थोड़ा सा शायद सही, ये तो मुझे ये भी कह रही थी कि मम्मी अगर मैं ठीक नहीं होती इन्फेक्शन तो मुझे हॉस्पिटल कर देना, तो इसके पापा भी कह रहे थे तो दो तीन दिन देख ले, अगर नहीं होता तो बालाजी तो चीना का ही है, तो जब देखो चीना को, असल में बालाजी हॉस्पिटल ही वही पसंद आता है इसको, अच्छा बना हुआ है, तो मेडिकल है हमारे पास, कोई इतनी दिक्कत नहीं होती है, तभी मेडिकल जब से मैं आई थी गाइस, जिस दिन मैं शादी करके आई थी मेरे थोड़े दिन बाद ही मेडिकल बन गया, फिर गोलू का मेडिकल हो गया, फिर चीना हुई चीने का हो गया, अब कन्नू हुआ तो कन्नू का हो गया, गाइस कन्नू हुई थी तो कोई बात नहीं, तो ब्लॉग क्या, हाँ तो उनका भी मेडिकल हो गया, अब चीना गोलू चली गई है तो गोलू का हट गया, गोलू ने वहाँ अपना करा लिया, अब चीना चली जाएगी तो चीना और निखिल का वहाँ हो जाएगा, मगर कन्नू का तो रहेगा मेरे साथ। बस गाइस आज का ब्लॉग हम यही एंड करते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, अच्छे अच्छे कमेंट्स करो, बस कमेंट्स अच्छे होने चाहिए गाइस, पहले आपके कमेंट्स बहुत बुरे बुरे आते थे मगर अब बहुत अच्छे कमेंट्स आते हैं, तो ऐसे ही है, कभी कभी कोई होता है जो बीच में बुरा बोल देता है, मगर कई लोग लिखते हैं कि आंटी आप परवाह मत करा करो, कोई भी कमेंट कैसे भी करता है परवाह मत करो, वाकई मैं नहीं करती, अगर मेरे को 99 लोग अच्छा प्यार करते हैं और एक नहीं भी करता तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता गाइस, देखो सबकी अपनी अपनी सोच होती है, तो मिलते हैं कल आपको एक नए ब्लॉग के साथ, एक नई सुबह के साथ, जब तक के लिए बाय बाय। अगर हमारी इंस्टाग्राम की आईडी आपने फॉलो नहीं की तो तरुण बसरा 9 वहाँ जाके हमें जल्दी से फॉलो कर लो, क्योंकि हमारी इंस्टाग्राम पे बहुत सारी वीडियोस आती हैं, मतलब हम रील्स डालते हैं, जैद की भी रील्स डालते हैं,
और तूबा यान की भी होती है, गोनू पायल की भी होती है, हमारी भी होती है। अब कल तो आजकल तो वैसे भी चीना की एंगेजमेंट की चल रही है, तो आपको कैसी लगी रील्स वगैरह तो हमें ज़रूर बताना। तो बाय गाइज़।